दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्ण में ऐसा क्या था, क्यों लोग उसका इतना पसंद करते। आज हम आपको उसके कुछ कारण बताएंगे। वो वही कर्ण था जो सूर्यदेव का एक महान भक्त था, प्रतिदिन सूर्यदेव की आराधना करता था। वो वही कर्ण था जो दिव्य अमृत से बने हुए कवच व कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। वो वही कर्ण था जो सूर्यदेव का एक अवतार था। वो वही कर्ण था जिसके जन्म होते ही उसे नदी में बहा दिया गया था। वो वही कर्ण था जिसने शिशु होते हुए भी चार नदियों को पार किया था। वो वही कर्ण था जो अपने शरीर को काटते हुए भी मुस्कुरा रहा था। वो वही कर्ण था जिसने अपनी माँ को भी दान दिया था। वो वही कर्ण था जिसके सामने देवराज इंद्र भी भिक्षु बन के आए थे। वो वही कर्ण था जिसने मित्रता की खातिर कृष्णा जी द्वारा दिए गए संपूर्ण आर्यवर्त के राज्य को भी ठुकरा दिया था। वो वही कर्ण था जिसके भय से युधिष्ठिर 13 वर्षों तक सो नहीं पाए थे। वो वही कर्ण थे जिसकी मृत्यु पर संपूर्ण सृष्टि विलाप करके रोने लगी थी। वो वही कर्ण था जिसकी मृत्यु को युधिष्ठिर ने सबसे बड़ा दुख माना था। वो वही कर्ण था जो सूत होते भी देवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों व मनुष्यों के लिए प्रिय था। वो वही कर्ण था जिसने संपूर्ण पृथ्वी जीतकर अपने मित्र को दे दी थी। वो वही कर्ण था जिसको प्रास्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि एक हो गई थी। वो वही कर्ण था जिसने चार देवताओं के पुत्रों को जीवन दान दिया था। वो वही कर्ण था जिससे अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी माया का प्रयोग करते थे। वो वही कर्ण था जिसने चुनौती को देख कभी हार नहीं मानी, बल्कि डटकर उनका सामना किया। वो वही कर्ण था जो द्वापर युग के महान दानवीर कहलाए गए। वो वही कर्ण था जो क्षत्रिय होते हुए सूत पुत्र कहलाए गए। वो वही कर्ण था जिसने जरासंध को एक दिन में ही प्रास्त करके जीवन दान दिया था। वो वही कर्ण था जिसने कलिंग स्वयंवर में अकेले समस्त राजाओं को प्रास्त किया था। वो वही कर्ण था जिसने द्रौपदी को पत्नी बनने का प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया था। वो वही कर्ण था जिसको श्री कृष्णा जी ने धर्मात्मा कहा था। वो वही कर्ण था जिसने अपने मित्र की खातिर अपने प्राणों तक का भी बलिदान कर दिया था। वो वही कर्ण था जिसने मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक से भी ऊपर सूर्य लोक को प्राप्त किया था। तो दोस्तों, ये बहुत सारे गुण थे जो कर्ण को महान बनाते। इनमें हम मानते हैं कि संपूर्ण गुणों को उनको एक साथ एकत्रित नहीं कर पाए, परंतु हमको जो जो मिले हम उनको आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तो आप ही सोचिए, इतने सारे गुणवान दानवीर कर्ण से कोई नफरत कैसे कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।